हेलो दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर ये सोच रहे हो कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए आपका पैसा का सही ग्रोथ करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इन चार रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप इसको नेगोशिएट कर देते हो तो दोस्तों आपको कहीं ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप SIP करते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को पक्का हिट करना। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा किताबें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना भी सेविंग्स प्लान है, आप पोस्ट ऑफिस प्लान मान लो या PPF मान लो, कहीं ज्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। उसी पैसे से आप अपने बच्चों का हायर एजुकेशन या आपका फ्यूचर का जो पेंशन है उसका भी आप इंतजाम कर सकते हो। गूगल में जाके अगर आप सर्च करते हो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ETF मनी का जो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर उसमें टच कर देना तो आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन आ जाता है, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर लिखा हुआ नाम, ठीक है। इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का पूरी जानकारी ले सकते हो। आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कब कितना होता है पूरा जानकारी आपको इसमें मिल जाता है। चलिए, मैं सिर्फ 5,000 रुपये का एक SIP शुरू करता हूँ और इसको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, देखता हूँ आपका पैसा कितना बन जाता है। तो मैं ये इसमें लिखा, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मंथली, मैं हर महीने 5,000 रुपये SIP लिख देता हूँ। और ये जो फॉर ए पीरियड है 20 ईयर्स, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए माइंड सेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको फुल बेनिफिट मिलने के लिए, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है मतलब कितना रिटर्न, उसमें हम 16% लिख देते हैं। कारण यह है क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़ा जानकारी के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़ भी सकता है। तो इस 20 साल में आपने टोटल कितना जमा कर दिए, 12 लाख रुपए, और आपको रिटर्न कितना मिला, 75 लाख। तो ग्रैंड टोटल आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू बन रहा है वो 87,47,000 रुपए बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस SIP को थोड़ा और यानी 5 साल एक्सटेंशन करते हो तो इन 25 साल में आपने टोटल कितना जमा कर दिए, 15 लाख रुपए, और आपको टोटल गेन कितना हुआ, देखिए 1.83 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू मिल रहा है 1,98,00,000, लगभग 2 करोड़ रुपए का आपका एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो गया है सिर्फ 25 साल में। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को और कंटिन्यू करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है दोस्तों वो आप सोच नहीं सकते कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वो आपके सोच को भी डिपेंड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोच। अगर वो आप ले जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप बीच में इसको रोक देते हो तो वही होगा जो सबके साथ होता है, नुकसान। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करना चाहिए हमेशा। अगर आप ले जाते हो तो आपका भी जिंदगी कुछ इस तरह होने वाला है। अभी तक हमने SIP का डाटा एनालाइज किया है, ठीक है। अभी हम लमसम यानी फिक्स डिपोजिट जो बैंक में हम लोग करते हैं FD, तो अगर आप 2 लाख रुपए का FD करते हो अगले 20 साल के लिए, और आज का समय का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों बहुत ही कम है। जहां पर आपको 8-9% पहले मिलता था आज से 10-15 साल पहले, वही इंटरेस्ट आज 6-7% सिर्फ मिलता है। तो हम इस वीडियो में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6.5% लिख रहे हैं। तो इन 20 साल में आपने टोटल कितना पैसा जमा किया हो और आपका इंटरेस्ट कितना मिला है देख लीजिए। आपने टोटल जमा किया 2 लाख, जो आपने पहली एक लमसम यानी FD कर दिए थे, 20 साल में आपको इंटरेस्ट मिला 5,26,000 का। तो टोटल आपका जो रिटर्न यानी ग्रॉस वैल्यू बना है वो बना 7,26,000 का। यह है फिक्स डिपोजिट जो हम बैंक में करते हैं। चलिए अब हम म्यूचुअल फंड में करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट, वही फिक्स डिपोजिट को म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं। तो अगर आप वही कैलकुलेटर है मंथली SIP या फिर लमसम, तो हमको क्या करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह पे एक साथ 2 लाख रुपए लिख देना है, ठीक है। और जो टाइम वैल्यू है दोस्तों वो आपको देना पड़ेगा कम से कम 20 साल, ठीक है। 20 साल अगर आप इसको टाइम देते हो, और जो रिटर्न है वो आपको पर डिपेंड है, क्योंकि अगर आप बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 20% भी रिटर्न अर्न कर सकते हो। लेकिन हम इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा नहीं, सिर्फ 15% रिटर्न लिख रहे हैं, जो सबसे कम ही मान सकते हो म्यूचुअल फंड के मामले में। तो इन 20 साल में आपने आपका तो जमा हुआ पैसा सिर्फ 2 लाख रुपए, लेकिन आपका इंटरेस्ट 30,73,000 रुपए आपने कमा लिए हैं। तो जो फ्यूचर वैल्यू बनता है 2 लाख रुपए का, वो है 32,73,000 रुपए बनता है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, समय के ऊपर डिपेंड है। आप चाहे कम पैसे इन्वेस्टमेंट करो लेकिन आप लंबा समय के लिए करो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको फुल मिल जाएगा और आपका जो पैसा वो कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप इस लमसम इन्वेस्टमेंट को और 5 साल एक्सटेंशन करते हो यानी 25 साल के लिए, तो आपका 2 लाख रुपए
अगले 25 साल में 65,84,000 रुपए बन जाता है। बैंक में पैसा रखना और म्यूचुअल फंड में पैसा रखना का जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। लमसम कब किया जाता है? स्टॉक मार्केट जब गिरता है तब एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए। डायरेक्ट प्लान में हमेशा निवेश कीजिए, रेगुलर प्लान को एग्जिट कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबा समय के लिए कीजिए। तो दोस्तों ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।